दुर्ग में बैंक मैनेजर के साथ हुई 18 लाख की ठगी, मोहन नगर थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला। दुर्ग के ओम परिसर के पास SBI बैंक के मैनेजर 18 लाख की ठगी का शिकार हुए हैं, जिसकी शिकायत मोहन नगर थाने में दर्ज भी कराई गई है। मोहन नगर थाना प्रभारी ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अग्रसेन चौक SBI बैंक के मैनेजर अनुरंजन कुमार प्रजापति को मोबाइल पर फोन आया कि वो कैलाश मध्यानी का पार्टनर बोल रहा है और उसने बैंक में FD खोलने की बात कही, जिसके लिए उसने स्वयं बैंक आने की जानकारी दी। उसके कुछ देर बाद मैनेजर के मोबाइल पर दोबारा फोन आया और कथित पार्टनर ने अपनी व्यस्तता बताते हुए दो अकाउंट नंबर पर 18,24,780 रुपए ट्रांसफर करने की बात कही। उसने कहा कि वो बैंक में आकर चेक जमा कर देगा, जिसकी बातों में आकर बैंक मैनेजर अनुरंजन कुमार प्रजापति ने उसके बताए अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर कर दिए और जब तीसरी बार एक अन्य अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर करने की बात कही गई तो उसने दुर्ग के कारोबारी कैलाश मध्यानी से संपर्क किया, जिन्होंने ऐसे किसी भी पार्टनर के होने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद बैंक मैनेजर को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ और उसने शिकायत थाने में दर्ज कराई। फिलहाल इस मामले में मोहन नगर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। मामले को लेकर मोहन नगर TI ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। मोहन नगर थाने में एक मामला आया जिसमें बैंक कर्मचारी के द्वारा कुछ गलती से या लापरवाही से 18 लाख करीब रुपए ट्रांसफर करने का मामला है, जिसमें पुलिस ने मामले को दर्ज करके विवेचना में लिया है। अभी साइबर सेल उस पर काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि वो जिन अपराधियों ने ये उनको बेवकूफ़ बना के या उसको झांसे में लेके ये कार्य किया उनको जल्दी पुलिस पकड़े। अभी ये कह नहीं सकते, लेकिन ऐसे गिरोह जो ऑनलाइन साइबर फ्रॉड करते हैं वो बाहर के भी हो सकते हैं और वो यहाँ के भी हो सकते हैं, लेकिन अब नेट पे कौन कहाँ पे बैठ के ये काम करता है कई बार पता नहीं लगता, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पता लगे। ये अग्रसेन चौक स्थित SBI ब्रांच मैनेजर के द्वारा 18,24,000 रुपये लगभग का ठगी की शिकायत की गई, जिस पर मोहन नगर थाने में FIR दर्ज किया गया है। FIR दर्ज कर विवेचना में लिया गया, जिसमें बैंक मैनेजर के द्वारा एक अज्ञात नंबर से अपने कस्टमर बताया गया और एक मेल आया था, जिसमें से उसने समय के अभाव में ना पाने के में रेफरेंस में दूसरे अकाउंट में 18,24,000 रुपये ट्रांसफर करवा कर ठगी किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।